हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल यू एंड मी पर काफी पहले भी वास्तु दोषों को लेकर, छोटे मोटे टोने टोटके को लेकर काफी सारी वीडियो शेयर की थी और उन वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफी अच्छा लाइक और शेयर किया गया था। फिर बीच में मैंने स्टॉक मार्केट की कुछ वीडियो शेयर की थी, क्योंकि मैं मानता हूं स्टॉक मार्केट एक साइड बाय साइड इनकम जनरेट करने का काफी बेहतरीन तरीका, तो इसको आप ट्राई अवश्य करें, आपको अच्छा लाभ हो सकता है उसमें भी। तो वापस फिर मैं अपनी वास्तु दोषों को लेकर और टोने टोटके को लेकर वीडियो बना रहा हूं, तो उनको मैं उम्मीद करता हूं पहले की तरह लाइक और शेयर मिलेगा। तो दोस्तों, मुख्य द्वार को लेकर, घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ क्यों खुलना चाहिए? दोस्तों, क्योंकि घर का मुख्य द्वार जब अंदर की तरफ खुलता है तो हम स्वागत करते हैं लक्ष्मी जी का कि आप आइए हमारे घर के बाहर, और आप घर के बाहर हैं तो आप घर के अंदर प्रवेश कीजिए, मैंने दरवाजा अपना अंदर की तरफ खोला है तो आप मेरे घर के अंदर प्रवेश कीजिए। तो मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, और ये याद रखिए, मुख्य द्वार हमेशा घर के दूसरे दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। तो घर का जो मेन गेट है दोस्तों, वो मुख्य द्वार सबसे बेहतर रहता है ईस्ट की और नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा हमेशा मुख्य द्वार के लिए सबसे बेहतरीन होती है। जो मुख्य द्वार है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए घर के दूसरे दरवाजों से, ताकि हम स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहें माँ लक्ष्मी का। आप अपने घर में कोशिश कीजिए कि मुख्य द्वार के सामने कभी भी सीढ़ियां न बनाई जाएं, क्योंकि सीढ़ियां एक अवरोध होता है जहां पर प्रेशर लगता है घर के सदस्यों का चढ़ने के लिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, और ये वास्तु में भी बताया गया है, कि घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे अवरोध उत्पन्न होता है लक्ष्मी का आने का और एक सकारात्मक ऊर्जा का। तो जहां पर एक ऊंचाई होगी वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए कि मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां न बनाएं। और यह कोशिश रहे आपकी कि मुख्य द्वार के सामने कोई भी खंभा या पेड़ या बड़ी दीवार ना हो, और उनकी छाया भी आपके मुख्य द्वार पर ना पड़े। यह एक नेगेटिविटी के लिए होता है, क्योंकि यदि नेगेटिविटी आएगी तो आपके घर के सामने कोई छाया है या इस प्रकार के तारों का उलझन है या आपके घर के सामने कोई ऐसा खंभा लगा हुआ है जहां पे हमेशा प्रेशर बना रहता है, तो इससे भी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आती है और आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए एक नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। तो इनसे बचे और कोशिश करें कि आपका जो मुख्य द्वार है वह आपके जो गली है या सड़क है उससे ऊपर होना चाहिए, उसे नीचा न हो, क्योंकि फिर नाली वगैरह का पानी आपके घर के अंदर आएगा तो वह भी एक नेगेटिविटी का कारण बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप यदि अपने घर के अंदर अप्लाई करते हैं, वास्तु दोषों का ध्यान रखते हैं, तो इसे आपके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास रहेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू एंड मी।